या अतिशय सुंदर कार्यक्रमामध्ये नृत्याविष्कार तर आपण सर्वांनी खूपच बघितलेले असणार, पण त्याचबरोबर आता अजून एक असाच सुंदरसा कार्यक्रम देखील आपल्यासमोर प्रस्तुत होत आहे. काजल की सियाही सी लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया केसरिया. अरे फरजाना क्या बात है, इतनी खुश हो, इतना गुनगुना रही हो. संगीत को सुनकर मैं खुद को बहला लेती हूँ, दिल से इसकी आवाज सुनने को बेताब रहती हूँ. संगीत के सुर से मनुष्य पर जो प्रभाव पड़ता है वह किसी से छिपा नहीं है. संगीत ब्रह्मांड को आत्मा देता है, मन को पंख देता है, कल्पना और जीवन को हर चीज के लिए नई उड़ान देता है. तो चलिए आज की इस रंगीन शाम को और रंगीन बनाने के लिए हमारे ऑर्केस्ट्रा के सुपरस्टार गायकों के सुरीले गीतों के धुनों में खो जाते हैं. आज की रंगीन शाम संगीत के नाम. प्रत्येक हृदयाला स्पर्श करण्याची ताकद ही संगीतामध्ये असते. वय, धर्म, प्रांत कसलंही बंधन ते जाणत नाही. कर्णमधुर संगीताच्या तालावर आपल्याही नकळत आपणही थिरकायला लागतो. ऑर्केस्ट्रा इज अ म्युझिकल फियास्टा फॉर आर आईज अँड इयर्स. सो लेट युअर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द टेन्शन अँड वरीज अँड गेट ट्यून टू द मेलोडियस सॉन्ग सांग बाय आर कॉयर ग्रुप ऑफ झेवियर्स.
तेनु बारी में जावा में तेनु बुलाव दिल सारता होवे
सिर उठ गए बुलो की शौखे आज भवरे आके लूट गए बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं सवार लूं सवार लूं है सवार संगीत स्वयं में ही एक जीवन है। अच्छे संगीत के बगैर यह संसार कितना अधूरा होगा ना, भले ही वह किसी भी तरह का हो। इतकी सुंदर गाणी ऐकल्यानंतर दोन ओळी स्वतःही गुणगुणाव्या असा मोह कुणाला होणार नाही बरं। आय कॅन हिअर सम जिंगलिंग साऊंड, डोंट नो फ्रॉम वेअर। आ गॉट इट, क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर, सो आय कॅन हिअर द फुटस्टेप्स ऑफ सांता। But where is Santa? क्रिसमस आते ही लोगों के जहन में केक, क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी रोशनियां और कार्ड्स की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लोग अपने अपने घरों को सबसे ज्यादा सुंदर बनाने में लग जाते हैं। इस खूबसूरत पर्व का बेसब्री से इंतजार तो बच्चे करते हैं, क्योंकि इन दिन उनके फेवरेट सेंटा क्लॉस जो अपने पास लाते हैं, वो भी बहुत सारे प्यारे प्यारे खिलौने लेकर। सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे सांता क्लॉज, लहान मुलांच्या अतिशय आवडीचा हा आपला नाताळ बाबा, कारण तो येतो, तो खूप सारी खेळणी, गिफ्ट्स आणि खूप सारा खाऊ घेऊन। वेलकम सांता टू द दर्पण फेस्ट ऑफ सेंट झेवियर्स हायस्कूल। बच्चों के फेवरेट सेंटा क्लॉज अपनी खुशियां बिखेरने हमारे बीच आ पहुंचे हैं।
said, the child who behaves good receives lot of gifts from Santa. But let me tell you that our kids are amazingly good and Santa has brought lot of gifts for them. But fun is just to ride and sing a sleigh song tonight. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Merry Christmas to everyone and Happy New Year. माइकल जैक्सन कहते थे, लोग जब भी मुझसे पूछते हैं कि मैं संगीत कैसे बनाता हूं, तो मैं उन्हें बताता हूं, मैं बस इसमें उतर जाता हूं। ये एक नदी में उतरकर नदी के प्रवाह से जुड़ने जैसा ही है। नदी में एक एक क्षण का अपना गीत होता है। इस अद्भुत ऑर्केस्ट्रा के बाद वाकई ऐसा लग रहा है मैं भी संगीत की नदी में उतर चुका हूँ। खरंच संगीताची जादूच ही अशीच काही असते, आपल्याही नकळत आपण कधी गुणगुणायला लागतो हे आपल्यालाही कळत नाही। लहान असल्यापासून आई मुलांना सांगत असते, इथे जाऊ नको बाबा मारेल, तिथे जाऊ नको बाबा मारेल, झाडावर चढू नको बाबा मारेल, नदीवर जाऊ नको बाबा मारेल, शाळेत जा नाहीतर बाबा मारेल, हे करू नको नाहीतर बाबा मारेल, ते करू नको नाहीतर बाबा मारेल। मग मुलं सुद्धा बाबांना घाबरतात, बाबांच्या भयानं शाळेत जातात, बाबांनी मारू नये म्हणून अभ्यास करतात, बाबांच्या दहशतीखाली शिकत राहतात। हळूहळू मुलं बाबांकडे दुर्लक्ष करून आईवरच प्रेम करू लागतात, मनामधून बाबांना काढून टाकतात आणि आईच्या चरणावरती सर्वस्व अर्पण करतात। बाबांपासून चार हात लांबच राहतात, मुलं आईचं गाणं गातात, मुलं आईवर कविता करतात। कोणतंच मूल बाबाला दुधावरची साय म्हणत नाही, लंगड्याचा पाय म्हणत नाही, वासराची गाय म्हणत नाही। बाबांसाठी मुलांकडे शब्दच नसतात। मुलाच्या पायाला ठेच लागली तरी मुलं बापरे म्हणत नाहीत आणि साने गुरुजींनाही श्यामचा बाप दिसत नाही। आई घरात असली की कसं घर भरल्यासारखं वाटत, बाबा घरात असले की मात्र स्मशान शांतता। मुलं शपथ सुद्धा आईचीच घेतात, बाबा शपथेच्याही लायकीचा नसतो। बाबा असतो केवळ मुलांच्या नावाच्या आणि आडनावाच्या मध्ये, नावापुरता। मुलं विठोबाला माऊली म्हणतात, धरणीला माय म्हणतात आणि देशाला माता म्हणतात। बाबा मात्र धरणीतून, देशातून आणि मुलांच्या मनातून केव्हाच झालेला असतो हद्दपार। बाबा असतो कठोर, काळीज नसलेला, निर्दयी, मारकुटा। बाबा असतो मुलांच्या स्वप्नात येणारा बागुलबुवा। बाबा म्हणजे केवळ रुपये पैसे कमवण्याचं यंत्र, तेवढं काम त्यानं केलं की त्याचं कर्तृत्व संपलं। कथा, कादंबऱ्या आणि कवितेत कधीही नसलेला हा पत्थरदिल बाबा प्रत्यक्षात का वाटतं मुलांना की डोळे मिटून जी प्रेम करते तिला प्रेयसी म्हणतात, डोळे उघडे ठेवून जी प्रेम करते तिला मैत्री म्हणतात, डोळे वटारून जी प्रेम करते तिला पत्नी म्हणतात आणि स्वतःचे डोळे मिटेपर्यंत जी प्रेम करते तिला आई म्हणतात। पण डोळ्यात प्रेम न दाखवता जो प्रेम करतो त्याला बाबा म्हणतात। आशियाना मेरा
साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। है समाज का नियम भी ऐसा, पिता सदा गंभीर रहे, मन में भाव छुपे हो लाखों, आँखों से ना नीर बहे,
करे बात भी रूखी सूखी, बोले बस बोल हिदायत के, दिल में प्यार है माँ ही जैसा किंतु अलग तस्वीर रहे। हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन अभिभावकों का जिन्होंने अपने व्यस्त दिनचर्या से इस नृत्य के लिए वक्त निकाला। बहारदार, अतिशय सुंदर, डोळ्यात अश्रू पण ओठावर हसू आणणारा हा परफॉर्मन्स होता। सर्व बाबा लोकांचं अतिशय अभिनंदन, खूप सुंदर। रंगीलो कुमाऊ मेरो छबीलो गढवाल, बद्री केदार ऊंचा ऊंचो हिमालय। अगं सृष्टी, ही तर पहाडी भाषा आहे ना। हिमाचल प्रदेशातील अलौकिक सौंदर्याप्रमाणे ही भाषा देखील अलौकिक आहे। हो, या हिमाचल प्रदेशाचे सौंदर्य पाहून कोणीही दंग होऊन जाईल। राजस्वाने बर्फाच्छादित पहाड, हिरवीगार जंगले आणि खळखळ वाहणाऱ्या नद्या, हा प्रदेश नैसर्गिक सौंदर्याने भरलेला आहे। हिमाचल प्रदेशाच्या कणाकणात सौंदर्यता भरलेले आहे। सकाळी सूर्योदय झाल्यावर सूर्याच्या किरणांनी उजळून निघालेले हिमाचल प्रदेशातील पर्वते गंधसरूंच्या झाडांनी भरलेले आहेत। हो खरंच, हा प्रदेश स्वर्गासमान भासत आहे। देवभूमी असलेल्या या प्रदेशाला ज्याप्रमाणे निसर्गता सौंदर्य लाभले आहे, त्याचप्रमाणे येथील स्त्रिया देखील सुंदर व रूपवान आहेत। अशाच एका अलौकिक व रूपवान ललनेने आपल्या सौंदर्याने सर्वांना भारावून टाकलेले आहे। चला तर मग पाहूया या ललनेच्या सौंदर्याचे गुणवर्णन करणारे नृत्य। सर्वांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवून या बाल कलाकारांचे स्वागत करूया। Nature is seen as the embodiment of all the attributes a woman possesses: gentle, kind, graceful, simple, charismatic are some common features which God has bestowed on woman and nature. Are Sangeeta पतेलू मां, संगीता लड़ गयू मैं बाजी।
Fantastic performance. Through this dance, the girl Sangeeta was being adorned for her natural beauty, which is a direct comparison to the pristine state of Himachal Pradesh. We all enjoyed the melodious Pahari song and the graceful dance moves by our kids. Everything in the universe has rhythm. The sound of the bells, the steps from the beats, everything is dance. Do you know, Atharva, what this quote refers to? Ujjwal, I think this quote is related to our next performance. You guessed it right. It's Sufi dance, which is a great blend of cosmic tune and divine music. Can you tell me a little more about it? Yeah, sure. Sufi is associated with the dance of whirling dervishes, originated in the 13th century. And now, we have spiced it up with the traditional Kathak. Kathak, it's one of the 8 major dance forms of Indian classical dance, originated from Uttar Pradesh, the northern gem of India. Kathak is derived from the word katha, meaning story. And in the entire dance, Kathak dancers narrate stories through their eyes and expressions. Yeah, so it will be a soothing combination of Sufism and Kathak. It also aims to promote spiritual dance, music, and cultural unity. Sufi Kathak is a legendary tradition in itself. So ladies and gentlemen, hold your breath and put your hands together for a next performance by the students of Junior College. Tere kya huye sabse juda ho gaye. Tere kya huye sabse juda ho gaye. Sufi ho gaye hum tum khuda ho gaye. Shadu Ali ka dulara, khaja mere.
श्याम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई श्याम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई 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 सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 बहारदार अतिशय अप्रतिम नृत्याविष्कार. सूफी संगीत म्हणजे साक्षात विश्वनिर्मात्याशी संवाद आणि कथ्थक म्हणजे नृत्याचा आत्मा. या दोन्हींचा अतिशय सुरेख मेळ इथे बघायला मिळाला आहे. मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की बारा मला जाऊ द्या ना घरी आता वाजले की बारा. हे मॅवेश आंट दिस लाइन्स फ्रॉम लावणी. येस आई लव लावणी द एनर्जी द अटायर द पल्सेटिंग अँड मेस्मरायझिंग म्युझिक इट जस्ट गिव्स मी अ थ्रिल इट इज अन एंटायर एक्सपीरियन्स. बट डू यू नो व्हॉट्स लावणी. येस आई डू. द वर्ड लावणी ओरिजिनेट्स फ्रॉम लावण्या मीनिंग ब्युटी. Earlier, this art form dealt with varied subject matters such as politics, religion, society, and so much more. The performance looks like divine royalties with a beautifully tied ear in buns, adorned with eye-catching jewelry and wrapped in resplendent Navari saris. But Harshit, what about the music? Lavani is a combination of traditional song and dance, particularly performed on the enchanting beats of the dholak and the ghunguru. Wow! The girls of Standard 6 are now coming on stage to give us a spectacular dance performance with a modern touch on fan-favorite song Chandra. Maharashtrachi shaan Lavani! Chala, ek Lavani hoon jao dya! Lavanya, manjej saundarya asnari Lavani, ही महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. नृत्य संगीत आणि अभिनयाचे सुंदर सादरीकरण म्हणजेच लावणी. Thank you.
बहारदार, क्या बात है. ढोलकीच्या तालावर आणि घुंगराच्या बोलावर आपल्याला अगदी थिरकायलाच लावलं आपल्या या छोट्याशा नृत्यांगनांनी. वाव, दॅट वॉज अन इनक्रेडिबल परफॉर्मन्स. इंडीड इट वॉज. सो विथ द सेम एन्थुसियाझम अँड एनर्जी, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट परफॉर्मन्स. बाय द वे प्रेरणा, डू यू हॅव एनी आयडिया अबाउट आवर नेक्स्ट परफॉर्मन्स? येस, आय विल गिव्ह यू अ हिंट. पवित्र धरती, खुला आसमान, नेताजी और रवींद्रनाथ जिसका मान, क्या बता सकते हो वो स्थान? Bengal, it's Bengal, right? Yes, talking about Bengal reminds me of their authentic and beautiful culture. Their ball tradition is a unique heritage of Bengali folk music, which has also been influenced by regional music tradition. Bengali culture has its root in its music, literature and cinema. Bengali culture is perceived as enlightenment, an excellence of taste in fine arts, humanities and knowledge. That delicious Bengali cuisine also form an important constituent of the state's culture heritage. Their people also very simple, or rather should I say, simple living and high thinking. And not to forget Durga Puja, the festival marks the victory of goddess Durga over the mythological demon Mahishasur. It is the most important Bengali festival and it is celebrated on a very grand scale. Get ready to experience Bengal through the performance of our school students. So, ladies and gentlemen, let's welcome them with a huge round of applause. Ami banglar gaan gai, ami banglai gaan gai, ami amar amake chirodine banglai khuje pai, ami kobi gurur banglar shopno dekhi. এইখানে মাছুয়ারা সমুদ্রে যায় আর মাছের ব্যবসায় করে. বাংলার বিয়েতে শুভদৃষ্টি শঙ্কের বাজনা আর উলু দিয়ে বৌমাকে বিদায় করে. বাংলায় মা দুর্গাকে পুজো করে, সিঁদুর খেলা আর ধুনুচি নাচ করে, মাকে প্রণাম করে. এই হচ্ছে আমার বাংলা. এইবার দেখুন আর আনন্দ পান. बंगाल जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, सिर पर मुकुट हिमालय और दिल में गंगा की धरा लिए यह प्रकृति का उपहार है. रसगुल्ला और मिष्टी दही यहाँ की पहचान है. ये हमारा अद्भुत और अप्रतिम बंगाल है. আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার বঙ্গাল অধুরা হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর কে বিনা, জিনোনে পহলা নোবেল পুরস্কার সে সম্মানিত হোকর भारत का गौरव बढ़ाया है. रविंद्रनाथ टैगोर का संगीत और साहित्य देश की आन बान
और अभिमान है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. दरिया के साथी मछुआरे जो दिन रात अपनी मेहनत से अन्नदाता बन सबकी तृष्णा भरते हैं, हम तो लड़ते हैं जमीन खातिर अपनों से, इन्होंने तो पानी पर ही अपना बसेरा बना रखा है। संस्कृति की झांकी यहाँ के विवाहों में देखने को मिलती है। शुभ दृष्टि, शंखनाद और उलुध्वनि के साथ यहाँ की हर बिटिया विदा की जाती है। नारी शक्ति और भक्ति अपने रज में समेटे दुर्गा माँ का यहाँ बसेरा है। माँ के उनके घर आगमन पर उनका हर बच्चा आज खुशी से झूम उठा है। बोलो दुर्गा माँ के
রাতে রণ চণ্ডী তুমি, পাপের নাশে মহাশক্তি তুমি, খড়গ হাতে রণ চণ্ডী তুমি, অসুর বিনাশিনী শক্তি তুমি, দশ পূজা তোমার অপার মহিমা। হলো আমাদের সুন্দর বাংলা। আহা, বাচ্চাদের কি সুন্দর প্রদর্শন! নিশ্চয় ভালো লেগেছে আশা করছি। জটাটবি গলজ্জ্বল প্রবাহ পাবে দস্তলে গলে বলম্বলম্বি তম্বুজঙ্গ তুঙ্গ মালিকা ঢমট 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 নিনাডমট ডমর বয়ম চকার চন্দ্র তাণ্ডবম তনুত্তন শিব শিবম। अखंड है प्रचंड है असुरों का अंत है, कैलाश पर विराजते जिनका नाम शिव शंकर है। भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जिसका केवल दर्शन कर लेने से भक्तों के जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। सृष्टि के निर्माण के हेतु भगवान शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से पृथक किया। भगवान शिव स्वयं पुल्लिंग के तथा उनकी शक्ति स्त्रीलिंग की द्योतक है। पुरुष अर्थात शिव एवं स्त्री अर्थात शक्ति का एका होने के कारण भगवान शिव नर भी है और नारी भी, अतः वे अर्ध नर नारीश्वर कहलाते हैं। माता पार्वती और महादेव के अप्रतिम प्रेम से पूरी दुनिया वाकिफ है। शायद यही वजह है कि महादेव ने माँ पार्वती को अपने आधे अंग पर स्थान दिया और स्वयं अर्ध नारीश्वर कहलाए। आज हमारे पाठशाला के कुछ मित्र आपके समक्ष एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो चलिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। आदि न जिसका अंत न कोई, वह शिव है महाकाल। आदि न जिसका अंत न कोई, वह शिव है महाकाल। शरणागत होते इनके आगे देव दानव और तीनों काल। शंकरा शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। पिछले जन्म में शिव की पत्नी थी जो देवी सती, इस जन्म में वो है पर्वतराज की सुपुत्री पार्वती।
आदि ना जिसका अंत न कोई, वो शिव है महाकाल। नतमस्तक हो जाते इनके आगे तीनों काल। सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का, अंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है, सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, तीनों लोग इसी की सत्ता, विश पी कर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता जपता, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। Such a divine performance. The music, dance and the ambience gave us the feeling of abiding in Kailash. संहाराची शक्ती असणाऱ्या तरी देखील कंठामध्ये विष धारण करणाऱ्या अशी ही शिव आणि शक्तीची ही कथा. चुपे बंगार मायेने श्रीवल्ली माटे मणिक्य मायेने. ओ, इज दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी पुष्पा द राइज? ओ यस, आई लव द लिरिकल सॉन्ग्स. डू यू लाइक देम टू? यस अमन, टॉलीवुड अनडाउटेडली इज एट इट्स पीक राइट नाउ. द रीसेंट सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज लाइक
Pushpadi Rice, RRR, Master, have created the record-breaking waves in the whole musical industry. Apart from music, South India is known for its magnificent temples, lively festivals and delicious food. And to the modern upbeat songs and dances, South India can make every generation to fall in love. You must have already understood what the next performance is going to be. Certainly, the next program showcases some of the hit, viral and trending songs of South India. Now, the students of Standard 10 are going to present the foot-tapping Tollywood Dhamaka. Let's get ready to rock to the mashup of well-known Tollywood numbers. We are sure the fast, groovy and stylish movements of our young students will set the stage ablaze. जैसे धूल उड़ा के सिंग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो, हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेज नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे पाक टोर छोड़ नाचो, मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो, हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यारा नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा कट्टा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। नी अम्मु अम्मु सलाइला पंडा तिया पुरी किरे सामे நீ பக்கம் பக்கம் நின்னா பரமேஸ்வர போல சொன்ன
क्या चल रहे इधर, क्या टाइम पास लगा रखा है, क्या फैंसी ड्रेस है क्या? चलो चलो निकलो ऐसे, चलो जल्दी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। टॉलीवुड जाना जाता है अपनी संस्कृति, एक्शन, बेहतरीन अदाकारी और सुपर डायलॉग्स के लिए। चाहे वो पुष्पा से पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझी क्या हो, या बाहुबली से जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। बेहतरीन सिनेमा के लिए कंटारा इसका जीता जाता उदाहरण है। हमें गर्व है हमारे टॉलीवुड पर। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा तुम्हें आज सुनाने आई हूँ, भारत के अनमोल रत्न की कथा सुनाने आई हूँ। शाहजी और जीजाबाई का पुत्र वह बड़ा निराला था, उनके संस्कारों के झलक से चमचमाता उनका माथा था। जिसके एक हुंकार से दुश्मनों के दिल बैठते थे, वीर पराक्रमी शूरवीर व छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अनेक शूरवीर मराठा सैनिकों और योद्धाओं के साथ मिलकर स्वराज्य की लड़ाई लड़ी थी। ऐसे ही शूरवीर थे बाजी प्रभु देशपांडे, येसाजी कंक और सूबेदार तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे जी की मराठा साम्राज्य और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना में प्रमुख भूमिका रही। सूबेदार तानाजी अपने पुत्र रायबा के विवाह हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज को आमंत्रित करने पहुंचे। तब उन्हें ज्ञात हुआ महाराज कोंडाणा पर आक्रमण करने वाले। क्षण भर में उनके मुख से यह शब्द निकले, नाही राजे आदि लगीन कोंडाणाच मग माझ्या रायबाच। कोंडाणा स्वराज्य में शामिल हो गया, परंतु तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए। यह समाचार सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज बोले, गड आला पण सिंह गेला। हमारे मित्र इसी प्रसंग पर आधारित एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो चलिए इस नृत्य नाटिका का आनंद लीजिए। स्वराज्य संस्थापनेत छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणारे सुभेदार तानाजी मालुसरे यांच्या शौर्याचे वर्णन करण्यासाठी शब्दही अपुरे पडतात। त्याग आणि बलिदान याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे शिवरायांचा हा मावळा। Yeah.
हिंदुस्तान के पश्चिमी पहाड़ियों के ऊपर से एक सूरज जैसे चिराग ने जन्म लिया, जिसका नाम था शिवाजी शाहजी भोसले। अब शिवाजी राजे ही प्रजा की हिम्मत थे और उनकी हिम्मत थे उनके सरदार बाजी प्रभु देशपांडे, भेसाजी कंग, दादा साहेब नरस प्रभु, नूर खान बेग और उनमें उनका सबसे चहेता, उनका दाहिना हाथ, कोंकड़ की लाल मिट्टी से बना उमरठ का मर्द मराठा सुबेदार तानाजी भालूसरे। शत्रु राख में मिले हमने जब जब शमशीरे ताने है माहे भवानी। सननन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठाने है माहे भवानी। उद्धार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है, अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। की शादी में शिवाजी राजे के पैर उमरठ को लगने ही चाहिए, और हाँ अगर राजे नहीं आए ना तो आप भी मत आना, समझे? काकी मैं आऊँ नहीं आऊँ वो जरूर आएंगे। I'm gonna make it.
जैसे जैसे स्वराज बढ़ रहा है तुम भी बढ़ रहे हो तानाजी। विचार करा, जब पूरा हिंदुस्तान अपना होगा तब क्या होगा? अरे जा काम साठी आलू, वो तो पूरा कर लू पूरे परिवार के साथ। लगना लग नक्की है जा। थानागढ़ पर पहुंचने में कामयाब हो गई तो शायद हिंदुस्तान में स्वराज एक सपना ही रह जाएगा महाराज। ये कामगिरी हम खुद करेंगे। नहीं राजे, लाख मरे तो भी चलेगा पर लाखों के पालनहार को कुछ ना हो। एक और शिलेदार है जो ये कामगिरी फतेह कर सकता है, सुभेदार तानाजी मालूसरे। हम उसे मौत की होली खेलने का निमंत्रण नहीं दे सकते। ये वैरेश्वर में शंकर को साक्षी मानकर जो शपथ ली थी, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, सुखों दुखों संग सहेंगे, जीते जी लहराएंगे भगवा, मरेंगे तो उसमें लिपट कर जाएंगे, उसे तोड़ना पड़े। तान्या अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाणा की फिर मेरे रायबा की। फिर चालाक आलमगीर ने सबसे बड़ी चाल चली, एक हिंदू के विरुद्ध हिंदू को खड़ा कर दिया। गेला
सिंह परी झुंज त्यान दिली वार किती झाले छाती वरी स्वराज्य रक्षण। लाखों का पालनहार उस दिन फूट फूट कर रोया था, कोंढाना को जीत कर तान्या आज भगवे में समाया था, पूरे हिंदुस्तान को काबिज करने का औरंगजेब का सपना बस सपना ही रह गया था। उदयभान राठौर ने जब तानाजी मालुसरे से पूछा, तुम पागल हो? तानाजी ने कहा, हर मराठा पागल है, स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। कुत्ते की तरह जीने से बेहतर है शेर की तरह मरना। यूं ही नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज रोकर बोल उठे, सिंह गण आलापन सिंह गेला। अंबाबाईचा उदो उदो, जगदंबेचा उदो उदो। काय रे सर्वेश, आज अचानक देवीचा जागरच चालू केलास? अग सृष्टी, या देवीचा महिमा तर सर्वश्रुतच आहे। हो तर, आपल्या भारत देशात नवरात्रीमध्ये आदिशक्तीची वेगवेगळ्या रूपांमध्ये आराधना केली जाते, विविध नावांनी तिला जाणले जाते, जसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कृष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी आणि सिद्धिदात्री। हो बरोबर आहे, दुर्गेच्या रूपात ती भक्तांचे रक्षण करते, सरस्वतीच्या रूपात ती ज्ञान देते व लक्ष्मीच्या रूपात ती भक्तांचे रक्षण करते। आपल्या देवीच्या पूजनाने आपल्या मनोकामना पूर्ण होऊन आपल्याला यश व बळाची प्राप्ती होते। आपल्या जीवनातील दुःख दूर करून आशेचा अंकुर मनात रुजवणारी ही तेजस्वी आणि ओजस्वी ऊर्जा आहे। नकारात्मकता घालवण्याचे प्रचंड सामर्थ्य तिच्यात आहे। महिषासुरासारख्या राक्षसासोबत 9 दिवस व 9 रात्री युद्ध करून त्याचे मर्दन करणारी ही महिषासुर मर्दिनी। अशा या आदिशक्तीचा उदो उदो आज आपण अनुभवूया या नृत्यातून। नवदुर्गा प्रतीक है महाशक्ति का। हिमालय राजपुत्री पार्वती जी ने हमारी दानवों से रक्षा करने के लिए तथा धरती आकाश और पाताल से सुख प्रकटाने हेतु अनेक बार अवतार धारण करते आई हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता।
वाट घालू किती वाट पाहू किती लाट मायेची होऊ नये कणाकणात तू मना मनात तू जीवाशी वात तू अंबे अतिशय सुंदर नृत्याविष्कार भक्ती आणि शक्तीचा हा सुंदर मिलाफ इथे आपल्याला बघायला मिळाला आहे. दुर्गा माता ही हिंदूची मुख्य देवी आहे जिला आदिशक्ती जगदंबा अशा कित्येक नावांनी ओळखले जाते. ती आनंद शांती आणि समृद्धी आणते अशा ह्या देवीचा जागर आपणास नक्कीच आवडला असेल. ॲज वी ड्रॉ द कर्टन्स फॉर टुडेज प्रोग्राम We, on behalf of Xavier's, would like to express thanks to our CEO ma'am, Mrs. Manisha Andhansare, HMs of different sections, and PTA members for sparing their valuable time and gracing this event. We are grateful to our parents for supporting this event with great enthusiasm. We appreciate our teachers, students, and choreographers Mr. Tushar and Mr. Swadesh and their team members respectively
for preparing these incredible performances. Next, I would like to thank the Navi Mumbai Municipal Commissioner, Nerul Police Station, service providers of light, sound, backdrop, photography, and all known and unknown hands who contributed to the success of this event. मैं यहां आए तमाम अभिभावकों को हृदयपूर्ण धन्यवाद देता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। आशा है आपने कार्यक्रम का भरपूर लुप्त उठाया होगा। सर्व पालकांना आणि ह्या कार्यक्रमाला यशस्वी बनवल्याबद्दल मी आपण सर्वांचे आभार व्यक्त करते आणि आता विनंती करते की आपण सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावे। Would like to take your leave with a feeling of happiness and gratitude, waiting to meet you next year. Thank you and good night.